अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है सलीम रज़ा और आप दोस्तों को अपने चैनल पे खुश आमदीद कहता हूँ। अभी मौजूद हूँ मैं क्लॉक टावर के बिल्कुल सामने और इस व्लॉग में आप दोस्तों को साहिल समुंदर के मनाजर दिखाएंगे। क्योंकि मैं मोटो व्लॉग कर रहा हूँ तो अंदर की तरफ नहीं जाऊँगा, लेकिन यहाँ से ये बीच शुरू हो जाता है जो कि सी वी ओ बीच है और क्लॉक टावर से आज का व्लॉग मैं शुरू कर चुका हूँ और आप दोस्तों को इस रोड के मनाजर दिखाते हुए चलूँगा। आज इतवार का दिन है और इतवार के दिन हम देखते हैं कि कितना रश है सी वी ओ रोड के ऊपर, यानी कि साहिल समुंदर पे जो लोग आए हैं कितने लोग आए हुए हैं और गाड़ियां वगैरह यहां पे कितनी खड़ी हैं। तो ये जो सामने आप रोड देख रहे हैं ये सी वी ओ रोड कहलाता है और इसी रोड के ऊपर आगे जाके डॉलमेन मॉल, शॉपिंग सेंटर और उसके अलावा एक दो और भी मशहूर शॉपिंग सेंटर हैं, तो उसी साइड के ऊपर हम जाएँगे। तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे साथ जुड़े रहें और साथ साथ में वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप दोस्तों के लिए मैं इस तरह के मोटो व्लॉग लाता रहता हूं। कराची के बहुत सारे इलाकों का विज़िट करता हूं और आप दोस्तों को स्ट्रीट व्यू दिखाता हूं, कराची की खूबसूरती दिखाता हूँ, साथ साथ में कराची के मसले मसाइल के ऊपर बात भी करता हूँ। तो आप देख सकते हैं ये साहिल समुंदर बिल्कुल इस साइड के ऊपर है और ये सी वी ओ रोड है जिसके मैं मनाजर आप दोस्तों को दिखाते हुए जा रहा हूँ। और डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो एक पार्क बनाया गया है जो कि सी वी ओ पार्क के नाम से मशहूर है और बहुत बड़ा पार्क है। ये तकरीबन 35 एकड़ ज़मीन के ऊपर इस पार्क को डिज़ाइन किया गया है और यहाँ पे कोकोनट के जो दरख्त हैं वो लगाए गए हैं, तकरीबन 5000 दरख्त यहाँ पे लगाए जाएंगे। और साथ साथ में यहाँ पे जो विज़िटर आते हैं, जो यहाँ पे घूमने के लिए आते हैं, उनके लिए यहाँ पे बेंचेस वगैरह भी लगाई जाएंगी ताकि वो यहाँ पे आके बैठ सकें। तो इसी तरह से आप दोस्तों से बात करते हुए मैं काफ़ी आगे की तरफ आया हूँ और यहाँ पे चौपाल रेस्टोरेंट है, ये भी अभी रिसेंटली ओपन हुआ है साहिल पे और पहले ये दो दरिया की तरफ भी था और ये इनकी दूसरी ब्रांच है यहाँ पे और एक इनकी ब्रांच शारफ फैसल पे मौजूद है। देखें जी, फैमिलीज़ यहाँ पे आना शुरू हो चुकी हैं, अभी 3 बजे का वक्त है शाम के और ये देखें सुजुकी पे कोई आ चुका है तो कोई अपनी कार के ऊपर, लेकिन मोटर बाइक वाले लोग अभी नहीं आए क्योंकि ये जो हमारे मोटर बाइक वाले दोस्त हैं ये आएंगे शाम में, यानी कि 5-6 बजे के बाद यहाँ पे ऐसा रश होगा कि आप खुद देख के हैरान हो जाएंगे। चंकी मंकी ये रेस्टोरेंट भी है, पार्क भी है, साथ साथ में गेम जोन भी है, बच्चों की पसंद की जगह है। अगर कोई छोटा बच्चा व्लॉग देख रहा है तो कमेंट लाजमी करना है। यहाँ पे देखें जी रक्षे वाला पॉइंट है ये, यहाँ पे सारे रक्षे एक साथ खड़े हुए हैं और साथ में कुछ मोटर बाइक्स भी मुझे नज़र आ रही हैं, यानी कि मोटर बाइक्स वाले कुछ दोस्त भी आना शुरू हो चुके हैं। तो जनाब, अब दोस्तों से बात करते हुए मैं साहिल समुंदर से आगे निशाने पाकिस्तान पर पहुँचा हूँ, ये आप देख सकते हैं। तो सामने आप देख सकते हैं बिल्डिंग्स आपको नज़र आ रही हैं, जिसका मैं बता रहा था शॉपिंग सेंटर है यहाँ पे, बिल्कुल यही बिल्डिंग्स हैं, बहुत ही बेहतरीन और बहुत खूबसूरत शॉपिंग सेंटर यहाँ पे बने हुए हैं। आप आ सकते हैं यहाँ पे, अगर वैसे आप कराची देखना चाहते हैं तो इस तरह के जो शॉपिंग सेंटर हैं यहाँ का लाजमी विज़िट किया करें, आपको कराची की असल खूबसूरती नज़र आएगी। और इस साइड के ऊपर ये तो बहुत ही खस्ता हाल में बिल्डिंग है, KFC। तो नाज़रीन, आप दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, मेरे साथ रहे आप और ये वीडियो एंड तक देखी। थोड़ा सा हम आगे जाके इस व्लॉग को कंप्लीट कर देंगे बिल्कुल इस बिल्डिंग के सामने जाके, और आप दोस्तों से गुजारिश है कि कमेंट बॉक्स लाजमी किया करें, वीडियो को लाइक किया करें ताकि मैं आप दोस्तों के लिए इस तरह की व्लॉग्स बनाता रहूँ। इसी के साथ आप दोस्तों से मैं इजाज़त चाहूँगा, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। बहुत जल्दी अगले व्लॉग में आपसे मुलाकात होती है, जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।